मेरा नाम जुबैर दौला भाई कुरैशी है और मेरे को यहाँ पर सोलापुर में शहर सोलापुर का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाए हमारे सोलापुर के सुपुत्र सुशील कुमार शिंदे साहब और मेरे नेता लोकप्रिय आमदार कार्य सम्राट पटनी चिताई शिंदे, उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने जिस काम के लिए मेरे पर भरोसा किया, मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई जातिवादी पक्ष आकर सोलापुर के अंदर आईन इलेक्शन के मौके पर जो कौम को गुमराह कर रहे हमारे, तो लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ मैं कि ऐसे लोगों के बहकाव में मत आओ। जैसा कि भाजपा के दानवे साहब ने कहा था कि MIM नहीं करने से हमारा नुकसान हुआ कर्नाटक के अंदर, तो इससे ज़्यादा अपनी आंखों को क्या खोलना चाहते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ अपने लोगों को कि भाई जो काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो हर अपनी समस्या को हल कर सकता है, वैसे ही नेता का साथ दो, लोग जुड़ जाओ, ये जातिवादी पक्षों से हटो, बाजू सेकुलर हो जाओ। पहले की कांग्रेस अलग थी, अब की कांग्रेस अलग है। अभी जो है युवक है इसमें और काम करने वाले लोग हैं, और हमारे नेता इस वक्त शहर मध्य के अंदर हर प्रभाग में जो है बहुत करोड़ों रुपए की नीति देकर विकास चालू है शहर मध्य में। ऊपर भाजपा की सत्ता है, कॉरपोरेशन में भाजपा की सत्ता है, इसके बावजूद भाजपा की सत्ता रहने के बावजूद भी छः दिन को एक बार पानी आता है, ऐसी समस्या है। ये बहुत सोलापुर की बदतर हालत हो रही है। यहाँ पर खासदार भी 10 साल भाजपा की सत्ता थी, यहाँ अभी क्या हाल हो रहा हम देख रहे हैं। अल्पसंख्यक संगठन के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं? संगठन की हम अच्छी तरीके से बाननी करने वाले हैं। हम जो है पहले जो है हमारी कमेटी ले ली है। कमेटी लेने के बाद जो है हर वार्ड के अंदर ऐसी मुहिम चलाएंगे कि जो जो लोगों की समस्या है, वो समस्या को लेकर हम वहाँ पर काम करने के वास्ते हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी चीज की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो आपने बताया कि संगठन कौशल्य की कमी थी, या जो अभी आप पूरी करेंगे? पहले कैसा था, जातिवाद आने की वजह से जो है काम करने वालों को काम नहीं मिल रहा था, गुमराही की तरफ लोग जा रहे थे। अभी तो गुमराही हट गई, कर्नाटक का जैसा इलेक्शन हो गया, लोगों के समझ में आया कि अपने को किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ मुस्लिम ज्यादा रुझान से आए और उनके साथ संगठन हो, इसके लिए आप क्या क्या करने वाले? अब इसी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ हैदराबाद के लोग आकर महाराष्ट्र के अंदर जो कुरैशी समाज का बेहाल करे दो शब्द बोलकर, उसी उसमें से मैं भी हूँ वो समाज से आता हूँ। जो ये लोग जो है ये समाज का गोवंश हत्या हुई, इसके जिम्मेदार MIM है, और MIM की वजह से आज महाराष्ट्र के 16 लाख कुरैशी लोगों को जो है बेरोजगार होना पड़ा, जिसकी जिम्मेदार MIM है।